पुंडरी पहुंचे करनाल रेंज के आईजी सत्येंद्र गुप्ता ने पुंडरी थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि नशा तस्करों और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। एक और पुलिस ने जहां तस्करों की धरपकड़ की है तो दूसरी ओर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। बैठक के दौरान आईजी सत्येंद्र गुप्ता ने गणमान्य लोगों से अपील की कि अगर उन्हें अपने क्षेत्र में किसी नशा तस्कर या किसी आपराधिक पुष्टि भूमि वाले व्यक्ति की जानकारी मिलती है तो वह उसे बिना किसी डर के अपने इलाके के थाना प्रभारी या पुलिस अधीक्षक को भी दे सकते हैं। देखिए, इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो पुलिस स्टेशन की विजिट्स, यहाँ पे इंस्पेक्शंस, ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करना, और दूसरा ये भी था कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, पब्लिक के लोग, खासतौर पर इलाके के मौजूद लोग, थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँव से और जो है शहर के लोग, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ जानना कि उनका क्या फीडबैक है, वो क्या जो है उनका परसेप्शन है पुलिस के बारे में, एवं जो है साथ ही साथ लोगों को एक मैसेज भी देना कि कोई भी आदमी कोई अगर गलत काम करता है, अगेंस्ट लॉ काम करता है, कोई जैसे वह सट्टा, कोई नशे का इस तरह की चीज़ करता है, तो उसको बिना डरे आप लोकल पुलिस को, वेदर चाहे जो है लोकल SHO, लोकल DSP, SP साहब, चाहे हमें जो है उस बारे में आप सूचना जरूर दें ताकि पुलिस जो है आपकी सूचना के माध्यम से उन अपराधियों को जो है पकड़ सके, ताकि इलाके में कोई अपराध है उस पर लगाम लगाई जा सके, बदमाश है, गलत व्यक्ति है, गलत व्यक्ति की कार्रवाई जो है उस पर जो है एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा IG गुप्ता ने कांवड़ यात्रा और महिला सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर रूट को डायवर्ट भी किया जाएगा। जबकि महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए ही महिला थानों की स्थापना की है। महिला कॉलेजों और स्कूलों की छुट्टी के दौरान भी महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, इसको लेके जैसे मैं बताऊँ, जैसे महिला थाने इसीलिए खोले गए थे ताकि जो है महिलाओं की सुरक्षा को इम्प्रूव किया जा सके। इसको लेके जैसे हम विभिन्न समय समय पे इसको लेके गाइडलाइंस भी हमने इशू किए, एनफोर्समेंट ड्राइव भी चलाई है, जिसमें मैंने ये रिक्वेस्ट भी की है कि जो आपके जो दस्ते हैं, जो पुलिस में महिला पुलिस के दस्ते, कुछ ऐसे दस्ते तैनात हो जैसे स्कूल्स कॉलेज के टाइम पे खासतौर पर जैसे जब कॉलेज या स्कूल छूटता है उस टाइम पे वहाँ पे ध्यान रखें, निगरानी रखें, सिविल में रख सकते हैं, यूनिफॉर्म में रखें, कोई इस तरह के लोग हैं, कोई मजनू टाइप लोग हैं, अगर कोई गलत गतिविधि करते हैं तो उन पर सख्ती हो। इसके अलावा जो है ना, बीच बीच में वो छोटी छोटी टीम्स बना के, वो आपकी छापामार टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड जो छोटे छोटे, जैसे वो समय समय पर बसेज में जाएँ, बसेज खासतौर पर रोडवेज बसेज या बसेज में जिसमें जो है महिलाएँ या लड़कियाँ जिसमें ट्रेवल्स करती हैं, खासतौर पर स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स अगर ट्रैवल करती हैं तो वो ध्यान दें। बीच में कुछ इंटरेक्शन के प्रोग्राम भी चलाएँ गाँव में जाके। मैं सजेस्ट करूँगा कि महिला थाने को आप ये एक बार जो उन्हें जो आदेश दें, बीच बीच में गाँव में जाके स्कूल कॉलेज में इंटरेक्शन के प्रोग्राम्स भी चलाएँ। आपको बता दें कि हरियाणा में नशे के खिलाफ सरकार और प्रशासन दोनों ही अपने स्तर पर अलग अलग अभियान कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य, सटीक, बेबाक।